मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवादल की बैठक सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस सेवादल के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र यादव ने कहा कि सेवादल के लोग प्रदेश के अति वर्षा वाले इलाकों में लगातार काम कर रहे हैं और मंदसौर नीमच जैसे बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी सेवादल के पदाधिकारी लगातार राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हैं। पिछले 3 माह में हमने जो भी काम अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने कार्यभार के क्षेत्र में किया है उन सब कामों की समीक्षा कर रहे हैं और अभी वर्तमान में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अति वर्षा से जो विषम परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं उन पर हम लोग एक कार्य योजना बना रहे हैं। हमने अभी जो भी आपदा प्रबंधन के काम किए हैं उन सब में कैसे और अच्छा सुधार लाया जा सके और मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार के द्वारा पूरे देश के प्रदेशवासियों में किस तरह से हम राहत के काम उपलब्ध करा सकें उनको कैसे राहत दे सकें इन सब की एक कार्य योजना बना रहे हैं। आगामी 3 माह में प्रदेश की सेवा दल किन किन कामों को करेगी इन सब पर हम एक चिंतन कर रहे हैं।